अस्सलाम वालेकुम क्लास टू, कैसे हैं आप? क्लास टू आज हम करेंगे एडिशन। चलिए आइए इसे करते हैं। अब हम ये क्या है, वंस, ये क्या है वंस, और ये क्या है टेंस। ये पूरा वन और टेन मिला के ये कितने हुए, 73, और ये पूरे मिला के कितने हुए, 14, कितने हुए 14, और 14 में 4 वंस हैं और 1 टेन है, 73 में 3 वंस हैं और 7 टेन हैं। अब आपके पास 73 रुपीस हैं और आपके भाई के पास 14 रुपीस हैं, तो दोनों के पास मिला के कितने हुए, इसे क्या कहते हैं, एडिशन। क्या कहते हैं, एडिशन, और इसका साइन ये होता है प्लस। क्या साइन होता है, प्लस। यूं एक सीधी लाइन यूं डालेंगे और फिर इसको यूं कर देंगे, इसे कहते हैं प्लस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, 3 आपके पास, अब यहां ये देखिए वंस में वंस प्लस करेंगे और 10 में 10 प्लस करेंगे। अब 3 वंस में जब हम 4 वंस प्लस करेंगे, 3 मैंने डाल लिया ना, 1 2 3, अब इसमें 4 वंस प्लस कर रही हूं। अब ये 3 तो मैंने इधर डाल लिया ना, अब ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब सब मिला के काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 7, क्या आएगा, 7। और जल्दी से बताइए 7 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 7 और 1 8, यानी आपके पास 73 रुपीस थे और आपके भाई के पास 14 रुपीस थे, तो ये कितने हो गए मिला के, 87। क्या हो गए, ये एडिशन करके हमें क्या पता चल गया कि ये पूरे कितने हैं, 87। चलिए आप ये देखते हैं, अब ये नंबर क्या लिखा हुआ है जल्दी से बताइए, 82, क्या लिखा है, 82। अच्छा ये 82 है और ये क्या लिखा है, 10। आप इन दोनों को प्लस करके बताइए कितने हुए टोटल, क्या हुआ, प्लस। प्लस क्या होता है, टोटल। प्लस क्या होता है, टोटल, एडिशन कर दें। अब 2 है ये वंस है, तो वंस में वंस प्लस करेंगे, 10 में 10 प्लस करेंगे। अब ये 2 वंस है, 2 वंस में ये 2 है, ठीक है, 1 2। अब इसमें 0 प्लस कीजिए, 0 मीन्स नथिंग, यानी मैं कोई भी लाइन नहीं डालूंगी, तो ये तो यही रहेगा। तो यानी अगर किसी में भी, किसी भी वंस टेंस किसी में भी 0 प्लस करते हैं तो वही रहता है, ठीक है। अब 8 में 1 प्लस कीजिए जल्दी से, क्या हो गया, 9, यानी 82 में आपने 10 प्लस किए तो क्या हो गया, 92, ठीक है। अच्छा अब यहां देखिए ये कितने हैं, 65, कितने हैं ये, 65 में 5 वंस हैं, 6 टेंस हैं, और ये कितने हैं, 24 में 4 वंस हैं और 2 टेंस हैं। अब कैसे प्लस करेंगे इसे, वंस में 1 को प्लस करेंगे, 10 में टेंस को प्लस करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 है, ठीक है। चलिए अब 1 2 3 4, ठीक है, अब इन्हें मिला के काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 वंस में 4 वंस प्लस किए, क्या आंसर आया, 9, ठीक है। अब ये देखिए ये 6 टेंस है, 65 में ये कितने टेंस है, 6 टेंस है, और 6 टेंस में आप
टू टेंस मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे? सिक्स टेंस में टू टेंस मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे? सिक्स सेवन एट, यानी 60, 70, 80. एट टेंस, सिक्स सेवन एट, ठीक है? तो क्या हो गया? 89, यानी 65 में 24 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 89. चलिए अब ये नंबर देखते हैं. ये नंबर क्या है? 94. 94 में कितने वंस हैं? 4 वंस हैं. और कितने टेंस हैं? 9 टेंस हैं. और ये क्या लिखा है हमारे पास? 0 10 और 2 वंस, यानी यहां 10 है ही नहीं. यहां 10 है ही नहीं. 0 मीन नथिंग. ठीक है, अब इसे प्लस करना है. आप देखिए वंस में वंस को प्लस कीजिए, 4 5 6 है ना, 4 4 तो है ना आपके पास, और ये 2 प्लस कर दें, 4 5 6 कितना आ गया? 4 में 2 को प्लस किया, क्या आया? 6. और 9 में 0 को प्लस करेंगे, 0 मींस नथिंग, तो 9 ही आ जाएगा. तो 94 में 2 प्लस किए तो क्या आएगा? 96. क्या आएगा? 96. आ गया अच्छी तरह. अच्छा अब टू क्लास, अब देखिए ये वंस है और यहां टेंस में कोई फिगर नहीं है हमारे पास. वंस है या टेंस में कोई फिगर नहीं है. वंस है या टेंस में कोई फिगर नहीं है, सही है? अच्छा आप इन्हें प्लस करके देखते हैं. हम आप देखिए 4 में 4 में 6 को प्लस कीजिए. कैसे? मैंने तरीका आपको बताया. 4 को मुंह में रखिए, अब 6 प्लस कीजिए उसके अंदर 4. और देखिए 6 यहां होता है ना, यहां होता है ना 6, 4 मुंह में, 5 6 7 8 9 10, यानी 4 में 6 मिलाएंगे क्या बनेगा? 10. अब 10 देखिए, ये देखिए 10. अब 10 में ये वंस है और ये 10 है, तो वंस को वंस के नीचे रखेंगे हम, ठीक है? और 10 को फिर कहां रखेंगे? तो 10 के नीचे रखेंगे, ठीक है? इसे ऐसे नहीं लिख सकते. अगर आप ऐसे लिखेंगे यहां पर जहां आपको ये दे रखो ऐसे लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? तो फिर आपको अगर ये टी भी दे रखा है, ओ भी दे रखा है, यानी टेंस और वंस लिखा हुआ है, तो फिर ऐसे नहीं रखना है. फिर कैसे रखना है? 6 और 4 10, 10 में 0 जो है वो वंस प्लेस पर है और 1 जो है वो 10 प्लेस पर है, ठीक है? आप देखिए यहां पर 5 में 5 प्लस कीजिए, 5 में 5 प्लस कीजिए. चलिए आप जल्दी से प्लस कीजिए, अब मैं नहीं प्लस करके बताऊंगी, इतना प्लस करना आ गया ना आप लोगों को. चलिए 5 में 5 प्लस किया, क्या आया? 10. 10 में ये 0 वंस प्लेस पर है ना, और 1 10 प्लेस पर है, सही है? चलिए अब आगे देखिए. आप 9 में 5 जल्दी से प्लस कीजिए, 9 में 5 प्लस कीजिए. मैं नहीं प्लस करूंगी, आप खुद प्लस करके बताएंगे. 9 में 5 प्लस कीजिए, कितना आया? शाबाश, कुछ बच्चों ने कर लिया 14. अब 14 में देखिए ये 1 प्लेस पर है, 4 1 प्लेस पर है और 1 10 प्लेस पर है. 4 को कहां रखेंगे? 1 प्लेस पर. 1 को कहां रखेंगे? 10 प्लेस पर. चलिए आगे करते हैं. हम 6 में 6 प्लस कीजिए जल्दी से. कर लिया? 6 में 6 प्लस कीजिए, क्या आया? 12. ऐसे ही लिखते हैं 12.
आप देखिए टू किस प्लेस पर है, टू किस प्लेस पर है, वन प्लेस पर, और वन किस प्लेस पर है, टेन प्लेस पर। चलिए अब सेवन में जल्दी से नाइन प्लस कीजिए, सेवन में नाइन प्लस कीजिए, सेवन मुंह में रखा है ना, और नाइन कहां आता है, यहां आता है ना नाइन, ये सेवन मुंह में है, एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, क्या आया आंसर, सिक्सटीन। अब सिक्सटीन में देखेंगे हम, सिक्स वन प्लेस पर है और वन टेन प्लेस पर है, ठीक है। अब चलिए जल्दी से एट में फोर प्लस कीजिए, एट में फोर प्लस कीजिए, क्या आएगा, ट्वेल्व। टू किस प्लेस पर है, वन प्लेस पर, और वन कौन से प्लेस पर है, टेन प्लेस पर। फाइव में सेवन प्लस कीजिए, फाइव को मुंह में रखिए, ठीक है, सेवन प्लस कीजिए, सेवन यहां आता है ना, यहां फाइव को मुंह में रखिए, सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व, क्या आंसर आया, ट्वेल्व। टू वन प्लेस पर है और वन टेन प्लेस पर है। अब जल्दी से सेवन में एट प्लस कीजिए, एट कहां आता है, यहां, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब सेवन को मुंह में रखिए और एट प्लस कीजिए, सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, फिफ्टीन। फाइव किस प्लेस पर है, वन प्लेस पर है, और वन किस प्लेस पर है, टेन प्लेस पर है, ठीक है। अब देखिए क्लास टू, अब ये आपके पास नीचे वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, ये वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं इसे। अब मैं इसे आपको पढ़ के सुनाती हूं कि ये क्या है, फिर हम देखते हैं इसे करना कैसे। इन अ क्रिकेट मैच, क्या मतलब समझे आप, इन आपने क्या पढ़ा है, इन मीन क्या होता है, मे। इन अ क्रिकेट मैच यानी क्रिकेट मैच में शाहिद, क्या लिखा हुआ है ये, शाहिद मेड, मेक मीन क्या होता है, बनाना है ना, किसी चीज को करना बनाना, मेड यानी उसने बनाए, कितने रन्स बनाए, क्रिकेट में रन्स बनते हैं ना, क्रिकेट देखते होंगे नगर में, 53 रन्स बनाए शाहिद ने, कितने रन्स बनाए, 53। मुइज मेड 41 रन्स, और मुइज ने कितने बनाए, 41 रन्स बनाए, शाहिद ने कितने बनाए, 53 रन्स बनाए, मोइज ने कितने बनाए, 41 रन्स बनाए। हाउ मैनी, अब आपने ये याद रखना है, हाउ मैनी मीन कितने, कितने, ठीक है, यानी जो चीजें काउंट हो सकती होंगी, जैसे मैं कहूं ये कप्स पड़े हुए हैं, ये काउंट कीजिए, आप काउंट कर सकते हैं। मैं कहूं अच्छा ये पेंसिल्स जो है ये काउंट करके बताइए कितनी है, आप काउंट कर सकते हैं। मैं कहूं आपसे कि आप पानी काउंट करके बताएं, आप पानी काउंट नहीं कर सकते। अच्छा मैं आपसे कहूं अच्छा शहद काउंट कीजिए, तो आप शहद भी काउंट नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा मैं आपसे कहूं कि अपनी कॉपीज काउंट करके बताइए, आप कॉपीज काउंट कर सकते हैं। अब जब हमने ये पूछना हो कि कितनी कॉपीज हैं, तो फिर हम लगाएंगे हाउ मैनी, यानी जो चीजें आप काउंट कर सकते हैं उनके लिए अगर आपने पूछना हो कितना, तो फिर आप कहते हैं हाउ मैनी। तो क्या लिखा है, हाउ मैनी रन्स डिड दे। अब ये दे किसके लिए लगा हुआ है, ये दे लगा हुआ है शाहिद,
शाहिद और मुइज के लिए, और किसके लिए? मुइज के लिए, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना वो लोग, अब दोबारा नाम नहीं ले रहे हैं, कह रहे वो दोनों, ऐसे तो इस तरह इंग्लिश में कहते हैं दे, ठीक है। तो हाउ मेनी रन्स डिड दे, यानी शाहिद और मुइज, मेक टुगेदर, एक साथ दोनों ने कितने रन्स बनाए, ठीक है। टुगेदर जहां पर भी लगा हुआ होता है, जहां पर भी जिस क्वेश्चन में भी टुगेदर लगा हुआ हो, तो इसका मतलब है कि आपने आंसर जो निकालना है वो प्लस करके निकालना है। क्या करके निकालना है? प्लस करके निकालना है। टुगेदर मतलब होता है एक साथ। तो जहां भी जिस क्वेश्चन में भी टुगेदर लगा हुआ हो तो समझ जाइएगा कि आपको प्लस करके करना है। अब देखे करना कैसे, ऐसे कैसे करेंगे। शाहिद ने कितने बनाए? 53, है ना, 53, सही है। अच्छा, मुइज ने कितने रन्स बनाए? 41। अब मैं 41 को 53 के नीचे कैसे लिखूंगी? देखिए 53 में ये वंस है और ये टेंस है, है ना। तो अब इसके अंदर ये वंस है, ये टेंस है, तो वंस के नीचे वंस और टेंस के नीचे टेंस, सही है, ठीक है। आप प्लस कीजिए, जल्दी से बताइए, जब 3 में 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा? वेरी गुड, 4। कुछ बच्चे बिल्कुल प्रॉपर आंसर देते हैं, जैसे क्लास में बैठे दे रहे हो, वो अच्छे बच्चे हैं। और अब जल्दी से बताइए 5 में 4 प्लस करें, कैसे करेंगे? 5 को मुंह में रखिए, अब ये देखिए 4, 1, 1, 2, 3, 4, यहां आ रहे ना 4, तो 5 को मुंह में रखिए, 6, 7, 8, 9, 9, आ गया, आ गया प्लस करना। अब आपकी बुक में 2 वर्ड्स प्रॉब्लम और हैं, अब वो आपने खुद करनी है। अब मैं लेकिन फिर भी आपको पढ़ के दिखा देती हूँ कि वो क्या है, ताकि आपको उसका ट्रांसलेशन आ जाए। जब आपको उसका ट्रांसलेशन आ जाएगा तभी तो समझ में आएगा ना, अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आएगा फिर कैसे समझ में आएगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये खुद पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, उसके बाद करेंगे। आयशा काउंट्स, काउंट मीन क्या होता है? गिनना। आयशा काउंट्स, आयशा गिनती है 24 बीड्स, कितनी बीड्स? 24 बीड्स, बीड्स क्या होती हैं? मोती। 24 बीड्स गिनती है इन वन नेकलेस, उसके पास एक नेकलेस है उसमें 24 बीड्स हैं, एंड 62 बीड्स इन एन अदर, इन एन अदर का मतलब, एन अदर का मतलब दूसरा, कोई दूसरा नेकलेस है, एक नेकलेस में 24 बीड्स काउंट करती है, एंड 62 बीड्स इन एन अदर नेकलेस, और एक और नेकलेस है उसमें 62 बीड्स काउंट करती है। हाउ मैनी बीड्स, देखिए बीड्स काउंट कर सकते हैं ना, हाउ मैनी बीड्स यानी कितनी बीड्स आर देयर, कितनी बीड्स हैं, ऑल टुगेदर, ऑल सब मिलाकर कितनी बीड्स हैं। अब मैं बताऊंगी नहीं, अब आप खुद करेंगे इसे, ठीक है। अच्छा चलिए, इसके बाद वाला अब अपनी बुक में देखिए, वहां आपको बताऊंगी मैं। खोली सबने बुक, चलिए देखिए। इन अफशांस हाउस क्या मतलब? अफशां के घर में, इन अफशांस हाउस, अफशां के घर में, देयर आर 15 डॉग्स, कितने डॉग्स हैं? 15, एंड 12 कैट्स, और 12 कैट्स हैं। हाउ मैनी एनिमल्स, इन दोनों को एनिमल्स कहते हैं ना, हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर ऑल टूगेदर,
दोनों मिला के कितने एनिमल्स हैं उसके घर में, सही है?